इन तरीके से जानेंगे कि बच्चे का पोजीशन सही है या नहीं, बच्चे ने बेबी हेड डाउन किया है या नहीं। पहला तो तरीका ये है कि आपको अपने 9वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड करवानी होती है जो डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में साफ साफ ये पता चल जाता है कि बेबी ने हेड डाउन किया है या नहीं। कुछ लक्षण है जिससे कि आप पता कर सकती हैं कि बेबी ने हेड डाउन किया है या नहीं। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तभी आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, तब शायद हो सकता है कि आपके वो लक्षण जो है सही बैठे होंगे। तो आइए जानते हैं एक तरीका। अगर आपके बच्चे का सिर नीचे की ओर है और पीठ बेली के फ्रंट में है तो आपको पसलियों की ओर किक का एहसास होगा, साथ ही आपकी बेली और नाभि उभरी हुई सी दिखाई देगी। इस पोजीशन को एंटीरियर पोजीशन कहते हैं। साथ ही इससे यह इशारा भी मिलता है कि यह बच्चे के जन्म के लिए सर्वोत्तम पोजीशन है। दूसरा तरीका, अगर आपको बेली के सामने वाले हिस्से में बच्चे के किक महसूस हो और बेली समतल लगे तो इसका मतलब यह है कि अभी बच्चे का फ्रंट वाला हिस्सा है, यह पोस्टीरियर पोजीशन कहलाता है। तीसरा तरीका, बेली के ऊपरी हिस्से को हल्का सा धक्का दें। अगर बच्चे के हिप्स होंगे तो आपको मुलायम और अनवेज शेप का एहसास होगा, साथ ही आपको लगेगा कि ऐसी पोजीशन में हल्का प्रेशर देने पर भी बच्चा हिलेगा नहीं। चौथा तरीका, किसी पोजीशन में आपको कुछ गोलाकार और हार्ड लंप महसूस हो जो कि हिल रहा है तो हो सकता है कि यह आपके बेबी का सिर हो। ऐसी पोजीशन में बच्चे का सिर पसलियों में और पैर नीचे की ओर होता है। पांचवा तरीका, बच्चे की हिचकियां लेना। बच्चे का हिचकियां लेना और उसका किक करने के तरीके से भी आप उसकी पोजीशन का पता लगा सकती हैं। अगर बेली के ऊपरी हिस्से में हिचकियां महसूस हो तो इसे हेड अप पोजीशन कहते हैं। साथ ही अगर बेली के निचले हिस्से में किक एक एहसास हो तो इसका मतलब है कि बच्चे के पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है, साथ ही यह इशारा है कि बच्चा अभी अभी ब्रिज पोजीशन से निकला है। छठा तरीका, अगर प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में बेली के ऊपरी हिस्से और पसलियों के पास आपको हल्का दर्द सा लगे तो यह इशारा है कि बच्चे का सिर पसलियों के करीब है। इस पोजीशन को ब्रिज पोजीशन कहते हैं। सातवां तरीका, आराम से और हल्के हाथों से बेली को दोनों साइड से हाथों से दबाएं। इस दौरान अगर आपको लंबा या फिर किसी सॉफ्ट चीज़ का एहसास होता है तो समझिए कि यह आपके बच्चे का बैक यानी कि पीठ वाला हिस्सा है। अगर आपको बेली के दूसरी ओर लम्स महसूस हो तो मुमकिन है कि आप बच्चे को हाथ या पैर को छू रही हैं। किसी भी तरीके का बस एक बार ही उपयोग करें अपने ऊपर जांचने के लिए। अगर समझ ना आए तो आप डॉक्टर से भी जांच करवा सकती हैं। डॉक्टर भी इसी तरीके से पता करती हैं पहले, उसके बाद अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो अल्ट्रासाउंड आपको करवाने को कहती हैं। अमूमन अल्ट्रासाउंड से ये सारी चीज़ें पता लग जाती है। तो बेबी ने हेड डाउन पोजीशन ले लिया है या नहीं, आप इन तरीक़ों से भी पता कर सकती हैं कि आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ आपको झुका हुआ दिखेगा और जो लोअर है, लोअर एरिया, आपको लगेगा कि वो नीचे की तरफ है और वहाँ पे आपको हार्डनेस नज़र आएगा, पहाड़ीपन महसूस होगा। और जो ऊपर की तरफ का एरिया है यानी चेस्ट के नीचे की तरफ का, वहाँ आपको हल्का और खालीपन नज़र आएगा। तो ये भी एक तरीका है कि बच्चे का हेड डाउन पोजीशन आ चुका है। जब 32वें हफ्ते के बाद बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ खिसकता जाता है तो कई महिलाओं को पेट के निचले सतह में दर्द होने लगती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।